वहीं दवाओं ने भी महंगाई के आगे हार मान ली है। देश में दो दिन के बाद से उन बीमारियों की दवाएं महंगी हो जाएंगी जो हर घर में पाई जाती है, यानी कि अब दवाएं खाना खरीदना जिंदगी में महंगाई के मोर्चे पर एक जंग होगा। अप्रैल आएगा तो जीवन में दवा खाना भी महंगा हो जाएगा। पहले से आपको दवा की दुकान के पास से जनता के बीच मौजूद रांची में संवाददाता सत्यजीत बताते हैं। 1 अप्रैल से 800 एसेंशियल ड्रग जो हैं उनके मूल्यों में 10% इजाफा होगा। एनपीपीए ने इसकी घोषणा कर दी है, जो ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी होता है देश का। अभी पैरासिटामोल जैसे दवाएं जो है वो कितने में बिकती होंगी? अभी बिकता है मोटा मोटी 1 रुपये टेबलेट। नहीं, एक स्ट्रिप जो है वो कितने का आता है? 15 गोली का 15 रुपया। 15 रुपया तो उसका दाम सीधे 1.5 रुपये बढ़ जाएगा लगभग। बढ़ेगा जी। अच्छा, एजिथ्रोमाइसिन का? एजिथ्रोमाइसिन आता है 24 रुपये टेबलेट। अभी एक टेबलेट 24 का 500 mg, तो 500 mg का 24 रुपये एक टेबलेट का। तो 5 का स्ट्रिप आता कितने का आता है? 5 का आता है। 5 का स्ट्रिप आता है यानी 120 रुपये का है। तो उसमें तो बहुत ज्यादा दाम बढ़ जाएगा, फिर 12-14 रुपये बढ़ जाएगा, 132-134 हो जाएगा। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी बीमारियों के मरीज जिन्हें लगातार लंबे वक्त तक दवाएं खानी होती है, उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर अप्रैल से पड़ेगा, जब 800 एसेंशियल ड्रग्स की कीमत में 10.7% का इजाफा होने जा रहा है। 3-4 हजार का ले जाते हैं। 3-4 हजार का, तो 10% बढ़ जाएगा तो आपके बजट पे तो असर पड़ जाएगा, 400 रुपये बढ़ जाएगा। महंगाई तो ऐसे भी बढ़ गया, क्या कर सकते। अब दाम बढ़ाने के फैसले का विरोध कई राज्य केंद्र के सामने दर्ज करा रहे हैं। ये पूरे देश के लिए उचित नहीं है। मैं हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को झारखंड की गरीब जनता की तरफ से पत्राचार करूंगा और उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि ये कम से कम झारखंड जैसे ट्राइबल और पिछड़ा और कमजोर स्टेट के लिए ये उचित नहीं है। भारत की आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में आने वाली दवाइयों की सालाना बढ़ोतरी थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। थोक महंगाई दर लगातार डबल डिजिट में चल रही है, इसीलिए हालत ये हो गई, न दवा लगे न दुआ लगे, यह ऐसा महंगाई का रोग है।